हाई गाइस दिस इज मनु मिश्रा सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे एंड इट्स नॉट बी अन अकेडमिक टॉपिक इट्स बेसिकली स्टडीजी वीडियो एंड इट्स अबाउट दी कि हाउ टू क्रैक क्लैट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इन दर्स्ट अटैम्प्ट राइट देखो पॉइंट ये होता है कि जब हम क्लैट की बात करते हैं ना तो क्लैट कोई रॉकेट साइंस वाला एग्जामिनेशन तो है नहीं क्लाइट से और भी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है लाइक वी हैव यू पी एस सी है ना वी हैव सिविल सर्विस बेसिकली यू पी एस सी इज अ बॉडी जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है वो वो बॉडी है है ना वो बॉडी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है सी एस सी वेरी डिफिकल्ट राइट लेकिन उस एग्जामिनेशन में भी लोग फर्स्ट अटैम्प में क्रैक करते हैं कंपेरेटिवली आई आई टी हो गया नीट हो गया दे आर बिट डिफिकल्ट इफ वी कंपेयर विद द क्लैट कैलाइट इज ऑल्सो डिफिक्टल्टल्ट वन आई एम नॉट सिंग क्लैट इज अ केक वॉक इट्स नॉट अ केक वॉक बट द पॉइंट इज आई आई टी एंड नीट दे आर बिट डिफिकल्ट राइट सो कहीं ना कहीं क्लाट uh, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं तो जब इन एग्जामिनेशंस में आईआईटी नीट यूपीएससी इन सब एग्जामिनेशन में लोग फर्स्ट अटेंप्ट में क्रैक कर लेते हैं सो व्हाई देर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेक ड्रॉप व्हाई देर आर लॉट ऑफ पीपल दे डोंट दे डोंट दे डोंट क्रैक द्लैट द फर्स्ट अटेम्प्ट मेन रीजन बिहाइंड देखो कुछ चीजें मैं समझ सकता हूं दैट इज कि जब हम आईआईटी और नीट की बात करते हैं तो आईआईटी और नीट में जो हमें इलेवेंथ में पढ़ा जाता है जो हमें ट्वेल्थ में पढ़ाया जाता है वही चीज उसका अपग्रेडेशन वर्जन आपको आईआईटी एग्जामिनेशन में देखना स्टार्ट देख देखने को मिल जाता है सेम गोज अ नीट बट अगेन अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो क्लैट इज नॉट बिट डिफिकल्ट है ना सो so, ऐसा क्या है कि जिसके चलते बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाते मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे डों राइट अप्रोच राइट और इसी चीज को लेकर आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में या फिर नॉट ओनली फर्स्ट ना इवन जो फिर से क्लाट दे रहा है जो उसने गलतियां करी वो गलतियां वापस ना दो रहा है। और जिनका पहला अटेम्प्टे वो पहले से ही इस चीज को अपने माइंड में रखें जिससे उनकी प्रिपरेशन में कभी हेंड्रेंस ना आए राइट सो आईल जस्ट टेल यू दी फाइव पॉइंट्स ये फाइव पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने और इन फाइव पॉइंट्स पे फोकस करने इन फाइव पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है, है ना कहीं भी आप इसको पेस्ट कर लो कहीं भी इसके अंडरस्टैंडिंग को समझ लो आपको वो आइडिया समझ में आ जाएगा राइट right? चलो सो so, बहुत छोटा सेशन होने वाला है नॉट अ वेरी लेंथी सेशन बट इसमें हम पांच चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये शॉर्ट सेशन आपका कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा चलो, focus, right? you have to be focus. ये बैकग्राउंड में, में इमेज देख रहे हो ये बैकग्राउंड में जो इमेज है ना वो एक मूवी है दैट इज कॉल्ड डार्क नाइट राइजेस राइट क्रिस्टन बेल की मूवी है बैटमैन है बैटमैन वो वेन जो है जो वेन जो वेन मास्क लगाता है राइट डार्क डार्क नाइट नाइट राइजेस राइजेस की बात करें उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन था एक मूवी का सीन था एंड द सीन इज अबाउट एक कुआ होता है वेल होता है उस वेल से निकलना होता है राइट right? तो उसमें बेन भी फंसा होता है द बेन वन द मास्क वाला वन द विलन वो भी फंसा हुआ होता है एंड इवन दी आपका ब्रूस बेन द बैटमैन वो भी फंसा हुआ होता है बट देर इज अ डिफरेंस कि जब हम बैटमैन की बात करते हैं व्रूज वेन की बात करते हैं व्रूज वेन को बहुत बार बहुत बार उसको क्लाइम करना पड़ता है तब जाकर एट दी लास्ट वो आपका वेल पे चढ़ पाता है बट इवी टॉक अबाउट दी आपका बेन बेन ने सिंगल अटेम्प्ट में सिंगल अटेम्प्ट में उस वेल को पार कर लिया था लेकिन डिफरेंस क्या था द ओनली डिफरेंस के जब हम ब्रूस वेन की बात करते हैं बैटमैन की बात करते हैं बैटमैन गॉड फील्ड मल्टीपल टाइम्स रीजन बीइंग बिकॉज उसने अपने कमर पे ना एक रोप बांध रखी थी कि अगर मैं गिरूंगा तो मैं बच जाऊंगा राइट सो अब पॉइंट ये है कि आपको वो फियर है कि आप गिर जाओगे है ना वो आपको डर है कि आप फेल हो जाओगे और इसीलिए वो बार 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 गिरता रहा इंड इज नॉट फोकस्ड ऑन अंगल थिंग नॉट इस्ड ऑन इज आपका एम हिस माइंड इज डाइवर्टेड राइट कि गिरूंगा तो ये लगेगी लग सकती है मर जाऊंगा बट अबाउट द्रूज अबाउट दी बेन दिल इन हैज क्रॉस दैल इन इन अलम्प्ट द रीजन बींग इज बिकॉज ही हैज नो फियर ही इज फोकस्ड एंड टोटली एडमिट कि मुझे ना इस वेल को क्रॉस करना है सेम गोज विव टू बी सिंगल माइंडेड फोकस माइंडेड फोकस होना चाहिए जुनून होना चाहिए अब यह जुनून मोटिवेशन लाए कहां से राइट यह मोटिवेशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा राइट मोटिवेशन पे हम लोग बहुत सारी वीडियो भी लेके आते रहेंगे वो भी चीज है लेकिन दैट टर्म का मोटिवेशन देती है It will give you motivation for two days, के दो दिन ढंग से पढ़ लो बट यह पूरा प्रोसेस है। या आपकी प्रिपरेशन के टेन मंथ्स नाइन मंथ्स एट मंथ्स लेके चलेगा सो नीड अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन तो आपको वो जूनियर जुनून अंदर से लाना पड़ेगा वो आपको अंदर से ही मोटिवेशन लाना पड़ेगा तभी जाकर आप मेन चीज पे फोकस कर पाओगे नहीं सोचना है कि मैं फेल हो जाऊंगा मैं पास हो जाऊंगा नहीं अगर यही चीज सोचते रहोगे ना कि मैं फेल हो जाऊंगा पास हो जाऊंगा तो आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा आप 50% ऑफ द टाइम वेस्ट इसी चीज में कर दोगे कि यार मेरा क्रैक होगा कि नहीं होगा मेरे मॉक में कम स्कोर आया है मेरा सेक्शनल टेस्ट में कम स्कोर आया है सर ने कुछ पूछा था वो मुझे सम, वो उसका मैं आंसर नहीं दे पाया तो मेरा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा नहीं वो सेल्फ डाउट नहीं करना well है यू हैव टू बी वेल फोकस्ड है ना और कितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देख लो कुछ भी देख लो द टॉपर्स दे ऑलवेज से दे ऑलवेज से कि मैंने कभी मॉक में टॉप नहीं किया था दे ऑलवेज से एंड दैट्स रियलिटी दैट्स अ ट्रू रियलिटी एग्जाम में कौन टॉप करने वाला है कौन टॉप नहीं करने वाला है किसी को नहीं पता होता है नो वन नोस राइट सो यू हैव टू बी फोकस्ड यू हैव टू बी मोटिवेटेड यू शुड हैव सम जुनून जुनून वो हो होगा तभी जाकर हम उस एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं द फर्स्ट पॉइंट द सेकंड पॉइंट दैट यू हैव टू फोकस्ड इज दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम इनसाइड आउट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट के की एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो कहीं ना कहीं वो बात वहीं तक जा रही है एग्जामिनेशन पैटर्न को समझना क्योंकि द पॉइंट इज ना पैटर्न को बहुत चेंज करता रहता है बट आप रिक्वायरमेंट पे जाओ कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है फ्रॉम सो uh, so, जैसे कि बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए न्यूज रीडिंग होनी चाहिए आई होप सबको पता होगा वो क्लियरली बोलता है इवन पैसेज भी वहीं से लाके देता है न्यूज से लाके दे रहा है तो न्यूज रीडिंग इज मस्ट वो बोलता है कि द ट एक्सपरेंट शुड हैव सम इंटरेस्ट इन लीगल डोमेन स्पेसिफिकली करंट लीगल डोमेन सो वो चीज होनी चाहिए कि उसके लिए अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दी पेपर यू हैव टू रीड द न्यूज यू हैव टू रीड द करेंट लीगल नॉलेज यू हैव टू बी वेल अपडेटेड राइट सो द रिक्वायरमेंट जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर पर जाओगे ना तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको समझ में आना स्टार्ट होगा कि एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है ट एग्जामिनेशन वॉन्ट किस किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस हिसाब से आपका क्वेश्चन आता है कैसे डील करना होता है किस ईयर में डिफिकल्ट आया किस ईयर में डिफिकल्ट नहीं आया कुछ नहीं रेंडमली बैठो एक दिन प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं है क्या होगा 120 में से पांच नंबर आएंगे माइनस में आएंगे बट आपको आइडिया तो लगेगा कि यार पेपर पूछ क्या रहा है एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है वो अगर हमें रिक्वायरमेंट पता लग गई ना तो हमारे हम राइट right डायरेक्शन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे हम उस चीज पे काम करना स्टार्ट कर देंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड दैट इज इनसाइड आउट एंड नॉट ओनली फॉर द करंट अफेयर्स फॉर एवरीथिंग करंट अफेयर्स का थोड़ा बिड ट्रिकी होगा कि क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं लेकिन वो आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा व्हेन यू सी दी क्लाट 2022 के पैसेजेस यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछते हैं

थर्ड रिक्वायरमेंट विल गेट टू नो के पेपर बहुत आपका लेंदी होता है रीडिंग इंटेंसिव है तो अगर लेंदी है तो इट मीन के क्वेश्चन अगर ट्रिकी भी दे दी और लेंदी भी दे दिया तो वो अगेन बच्चा फंस जाएगा सो so, रिक्वायरमेंट क्या मांग रहे हैं रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं कि यू शुड तो है सो यह बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता लगेगी वेन यू टेकल दी प्रीवियस पेपर वेन यू अंडरस्टैंड पेपर इज डिमांडिंग एंड वॉट रिक्वायरमेंट यू गाइज नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द सेकेंड पॉइंट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द आपका एग्जामिनेशन दैट इज इन साइड आउट राइट द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस दैट इज अबाउट द प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन मैं अगर चाहता ना इसमें एंड की जगह और लगाता बट द पॉइंट इज के यहां पर एंड होना जरूरी है एंड मतलब प्लस सो देर शुड बी प्रिपेरेशन देर शुड भी एग्जीक्यूशन मैंने क्या किया कि मैं गया मैं प्रिपरेशन करने गया मैंने ना यहां से ही मटेरियल ले लिया वहां से ही मटेरियल ले लिया यहां से बुकलेट्स ले ली यहां से मैंने क्लासेस ले ली सब मैंने कर लिया कि भाई इतना करना है मैंने प्रिपरेशन बना ली प्रिपरेशन करने से कुछ होता नहीं है यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट राइट लेकिन अब पॉइंट भी वही आ रहा है कि अगर मान के चलो मैं सुबह उठा के आज से क्लैट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगा रैंडमली मैंने कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो ये वही बात हो गई कि बस आपको दौड़ने के लिए बोला गया है ना आपको बोला कि आपको रेस जीतना है और आप दौड़ गए पॉइंट इज क्यू आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक आप दौड़ रहे हो बट वो दौड़ वो जो आपकी जो, जो आपकी रनिंग है जो आपकी एनर्जी है वो वेस्ट जा रही है बिकॉज आप शायद अपोजिट दौड़ रहे हो आप शायद डायग्नली दौड़ रहे हो है ना सो द पॉइंट इज यू नीड अ प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन बोथ चीजें पता करने से कि मैं यहां से पढ़ लूंगा यहां से ये यह कवर हो जाएगा दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन देन यू हैव टू एग्जीक्यूट इट और ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं मेजोरिटी ऑफ दी बच्चा जो फंसता है ना वो एग्जीक्यूशन में फंसता है जो सही में मेहनत करने वाला बच्चा होता है प्रिपरेशन सब लोग कर लेते हैं बट प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट करना सही डायरेक्शन में सही वे में वो उनको होती है सो प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन इसका सिंपल सा सिंपल सा फंड है आई जस्ट गिव यू फॉर्मुला राइट तुम्हें तीन चीजें करनी है मेक अ सिंगल डे शेड्यूल वीक शेड्यूल एंड आपका मंथ शेड्यूल आप रात में सोते समय ना नेक्स्ट डे का आप शेड्यूल बना लो अपना आपको पता है कि भाई आपको स्कूल इस समय पे जाना है जो ड्रॉपर है उसको पता है कि भाई मेरी क्लासेस इस समय पर है है ना मुझे इस समय ये रिवाइज करना होता है हिंदू एनालिसिस देखना होता है मुझे न्यूज़पेपर रीड करना होता है मुझे करंट अफेयर्स रिवाइज करना होता है मुझे सीआर के प्रैक्टिस करनी होती है राइट ये उसको शेड्यूल पता है ऑलरेडी अपना शेड्यूल बनाओ शेड्यूल बनाने के साथ आप ये देखो कि मेरा टास्क क्या क्या है एंड मेक श्योर ऑफ दैट कि आपका जो डेली शेड्यूल हो वो इतना हेक्टिक ना हो कि वो नेक्स्ट डे आपका फिर से बर्डन बन जाए बैकलॉग बन जाए कि थर्ड डे आपका सेकंड डे का ही जो शेड्यूल था वो बैकलॉग बन गया वो चीज नहीं होनी चाहिए सो यू हैव टू बी मेक श्योर ऑफ दैट यू हैव टू बी मेक श्योर ऑफ दैट कि आप अपना जो शेड्यूल बनाए उस शेड्यूल में सिंगल डे शेड्यूल में इतना हेक्टिक ना हो है ना इतना हेक्टिक ना हो कि कहीं ना कहीं आप उसको अचीव ही ना कर पाओ राइट right? एक बड़ी बैटल हारने से अच्छा है एक छोटी बैटल जीत जाए वो ज्यादा बेहतर है छोटी बैटल लड़ते 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 हम एक पूरे एरिया को कवर अप कर लें दैट्स वॉट दी नेपोलियन टेड राइट एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली हिटलर फेल बिकॉज हिटलर स्टार्टेड द आपका हिटलर डायरेक्टली आपका वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज द मोस्ट पावरफुल नेशन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिशर्स वहां पर वो फेल हो गया इनिशियली जब वो छोटे छोटे नेशंस को कॉलोनीज बना रहा था किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट जैसे ही उसने पोलैंड और फ्रेंस की तरफ फ्रांस की तरफ उसने मूव ऑन करना स्टार्ट किया ही गॉट फेल्ड सो यू हैव टेक अ स्मॉल स्टेप है ना स्मॉल स्टेप्स लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे ऑलरेडी आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे लेकिन इफ यू इफ यू थिंक ऑफ दैट कि जस्ट आई जस्ट बस एक ही जंप तो चाहिए वो जंप हो सकती है सक्सेसफुल बट द पॉइंट इज फेल होने के ज्यादा चांसेस हैं अगर फेल हुए ना तो लगेगी अलग और नीचे जाओगे अलग राइट तो स्मॉल स्टेप्स बेटर थिंग राइट तो डेली शेड्यूल बनाइए न्यूज पेपर होता है फॉलो करके देखो आपको नींद इतनी प्यारी आएगी ना आपको टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपको पता है आपका जो टास्क था आज का आपने वो कंप्लीट किया है वीक शेड्यूल तो दो हो गए पहला शेड्यूल डेली बनेगा फिर दूसरा शेड्यूल वीक बनेगा वीक शुड बी दी टारगेट कि भाई वीक में मुझे इतना करना है जैसे आपने क्लासेस देख ली आपने उनको एक एक बार रिवाइज कर लिया आपने प्रैक्टिस कर ली अब सैटरडे संडे में मुझे उन पूरे वीक का रिविजन करना है तो एक वीक शेड्यूल आपका बन गया कि भाई वीक में मेरा इतना टारगेट था वो मैंने अचीव किया एंड अगेन डोंट मेक हेक्टिक शेड्यूल नहीं तो बहुत परेशानी होगी अगर आपकी कैपेसिटी चार घंटे पढ़ने की है ना सेल्फ स्टडी चार घंटे की है ना मेक अ शेड्यूल ऑफ थ्री आवर्स थ्री आवर्स का शेड्यूल बनाओ अचीव करो अचीव कर लोगे मैं बोल रहा हूं एक घंटा बच रहा है ना एक्स्ट्रा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं वो और ज्यादा वो और ज्यादा चीज है ओवर अचीव हो जाएगा वो चीज अच्छी है कोई गलत चीज नहीं है कोई भी कॉम्पिटिक एग्जामिनेशन में सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता ये लगता है ना कि एक बार बस मैं पूरा कम, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूँ कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता टेंथ ट्वेल्थ के बोर्ड से एग्जामिनेशन नहीं है कॉम्पिट एग्जामिनेशन है इसमें कभी भी इतना हमेशा माइंड से निकाल देना यह बात कि कोर्स कंप्लीट होता है कोर्स कंप्लीट होता है नहीं होता है लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ते हैं लोग बाग ये कॉम्पिटिट एग्जामिनेशन की सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात है राइट सो प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन रहो पता करो कि मुझे ये करना है चुल बनाया चुल बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना सीखो तो वीक शेड्यूल सॉरी डेली शेड्यूल वीक शेड्यूल एंड आपका मंथली शेड्यूल आपको पता होगा आपका टारगेट क्या है आपको पता होगा आप किस तरफ जा रहे हो राइट right? तो और इवन ना आप कुछ सोचो जब आप अचीव करोगे जब, जब आप अचीव करोगे डेली शेड्यूल जब आप अचीव करोगे डेली वीक वाला आपका पूरा शेड्यूल जब आप अचीव करोगे मंथ का शेड्यूल कि मंथ में मैंने ना पूरा अफेयर्स मंथ का रिवाइज कर लिया मैंने प्रैक्टिस कर लिए इस स्पेसिफिक सीआर सीआर सी आर फैक्शन जो है इस सीआर सेक्शन के सारे के सारे मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने समझ लिए सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इट पार्ट इज़ कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना आपकी एनर्जी हाई होती है जब आप एनर्जी हाई पे होते हो ना आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हो अपनी पढ़ाई में लग जाते हो राइट सो द थर्ड पॉइंट दैट इज प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन द फोर्थ पॉइंट विच इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज दैट इज मेमोराइजेशन एंड रिकॉलिंग यहां पर बच्चा बहुत फेल होता है मेमोराइजेशन एंड रिकॉलिंग को मेमोराइजेशन रिकॉलिंग को हम रिविजन बोलते हैं

उसको रिमाइंड करना और जहां फंसते हो उसके बाद नोट्स खोलकर उनको देखना फिर बंद करके फिर से रिकॉल करना वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है रिविजन का इनिशियली बहुत हेक्टिक होगा फर्स्ट सेकेंड टाइम में आपको लगेगा क्या कर रहा हूं मैं मेरा 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 मेरे को याद नहीं हो रहा याद नहीं हो रहा याद नहीं हो रहा लेकिन रिकॉलिंग है वो तो रिकॉलिंग कैन नॉट बी डन इन वन टाइम टू टाइम यू हैव टू डू मल्टीपल रिकॉलिंग जब मल्टीपल रिकॉलिंग करोगे तब जाकर जैसे हमें नरेंद्र मोदी नाम याद है हमें अमित शाह नाम याद है वी डिड इंट रोड लर्न राइट हमने रोड लर्निंग नहीं करी हमें रट्टाफिकेशन कभी नहीं किया हमें जो बाइडन का नाम याद है हम यूक्रेन के प्रेसिडेंट का हमें नाम याद है बिफोर दी रशिया यूक्रेन वॉर हमें याद भी नहीं था हमें पता भी नहीं था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है कि प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है वहां पर राइट right? लेकिन हमें पता है कि व्लादिमिर जेलेंस्की इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन हमने कभी याद नहीं किया बट हमने उसको बार, बार 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 रिकॉल किया हमने उसको बार बार नाम देखा मेमोराइज हो गया फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो दी दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड आई से ट्वेल्व वो तो याद करना है मैगजीन्स में कितने टॉपिक्स हैं फिर सीआर बी है फिर आपका इंग्लिश भी है फिर आपकी लीगल भी है लीगल में C.L.K. के भी, भी है फिर क्यू भी देखना है बर्डन लग रहा है बट इसको अगर बार बार रिकॉल करते रहोगे बार बार समझते रहोगे मेमोराइज करते रहोगे आई मेक श्योर ऑफ दैट कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी राइट right? वो चीज एंड एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट इज स्टार्टिंग अर्ली स्टार्टिंग अर्ली मुझे पता है यहां पर नाइनटी ऑफ द बच्चों ने ना एक टारगेट रखा हुआ है टारगेट इज दैट आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम दिस डे फर्स्ट ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करूंगा फिफ्टीन ऑफ तो मार्च से स्टार्ट करूंगा ट्वेंटी तो स्टार्ट करूंगा जुलाई से स्टार्ट कर लूंगा मैंने एक साल ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं तो अभी मुझे तो आता ही है आ, सब चीजें आती है रिवाइज ही करना है तो अगस्त में कर दूंगा जितना अर्ली स्टार्ट करोगे ना उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हें तो तुमने अपना टारगेट बना लिया अप्रैल से पढ़ना है डू वन थिंग ेंगे न्यूज पेपर आप अपना पहला स्टेप तो देना स्टार्ट करो अगर आपने ये टारगेट बनाया ना फर्स्ट एपल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा तीन घंटे चार घंटे पढ़ूंगा वो कभी नहीं होता एग्जीक्यूट और फिर आपने फ्रस्ट्रेट होता है और फिर वो डेट एक्सटेंड करता रहता है राइट इन दिस वर्ल्ड नन ऑफ दी थिंगफेक्ट कोई चीज परफेक्ट नहीं होती जब कोई चीज परफेक्ट नहीं, नहीं है ना तो तुम अपनी प्रिपरेशन को ना अपनी प्रिपरेशन को भी तुम परफेक्ट नहीं बना सकते वो समय भी आएगा जब तुम डेली शेड्यूल को कंप्लीट नहीं कर पाओगे वो समय भी आएगा डेली शेड्यूल के तुम 60 70 परसेंट कर पाओगे लेकिन 60 70 परसेंट करना डेली शेड्यूल का इट्स अ वेरी गुड अचीवेबल थिंग सबसे अच्छी चीज होती है वीक वीको 80 70 कंप्लीट कर रहे हो अचीवेबल थिंग है बट द पॉइंट इज यू हैव टू स्टार्ट अर्लीस्ट बस वही बात होगी जब जागो जब सवेरा यू हैव टू डू दैट तो स्टार्ट अर्ली डोंट डोंट फिक्स द डेट के मैं यहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपने लाइव एक्सपीरियंस से बता रहा हूं <coughs> एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैंने भी कई बार मैंने कई एग्जामिनेशन में डेट फिक्स कर है कि मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा वो नहीं होती है सिगरेट और एनी थिंग राइट और उसको बोल दो ना रैंडमली कि बस तू बंद कर दे सिगरेट को अब मत फूकना इसके बाद उसके लाइफ में उसको ड्रॉबैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे राइट right? उसको बहुत अजीब सा लगेगा वो कभी इफेक्टिवली काम कर नहीं पाएगा लेकिन अगर वही चीज़ धीरे 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 करके छूट जाए तो उसकी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है उसके लाइफ शेड्यूल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है उसके लाइफ स्टाइल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा सो so वही चीज आपको करनी है धीरे 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 यू हैव टू स्टार्ट एंड देन जो आपने डेट फिक्स कर रखी है ना उस डेट फिक्स से आप अपना मोशन पकड़ लेना अपनी स्पीड पकड़ लेना लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो पेपर के बारे में समझो है ना

तो जब आपको सिलेबस पता होता है ना जब आपको मैप रखा होता है आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर रखे होते हैं तो आपको पता लगता है कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या मैं जो पढ़ने वाला हूं वो मेरे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि नहीं राइट सो या सो अगेन ब्रेस योर सेल्फ है ना जस्ट ब्रेस अप योर शूज एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर क्लैट आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट स्टडी फॉर टेन टू फोर्टीन आवर्स और ट्वेल्व आवर्स नहीं वो कभी नहीं हो सकता

कि मुझे इतना पड़ेगा इतना पढ़ना पड़ेगा उतना पढ़ना पड़ेगा बच्चों को शायद करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट हो सी में नहीं होगा लेकिन सीआर भी पढ़नी पड़ेगी है ना सो दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट अर्ली है ना यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट यू शुड हैव डेडिकेशन डेडिकेशन एंड डोंट मेक शेड्यूल बट कंसिस्टेंसी इज अ की राइट सो बी कंसिस्टेंट टेक अ स्मॉलर स्टेप एंड यू विल अचीव द ग्रेटर हाइट ठीक है चलिए सो so, इस सेशन को अपन यही एंड करते हैं एज प्रॉमिस्ट शॉर्ट एंड सिंपल सेशन राइट बाकी फिर मिलेंगे इन दी अनदर वीडियो तब तक के लिए बाय बाय है डे बाय गेस